भाई साहब आप यहाँ और इस हुलिये में? मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? लगता है बादशाहों पर कड़ा वक्त आन पड़ा है, इसलिए यूं इस तरह आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं। मत जाया करो, मेरा क्या काम है? अरे रे सर, नाराज क्यों होते हैं आप? अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ किसी काम से आए होंगे और यकीनन गाड़ी भी यहीं कहीं होगी, ऐसा है कि नहीं? खैर वो कहते हैं ना कि जब इंसान मुश्किल में होता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते भेजकर फौरन उस इंसान की मदद कर देता है, और आप इस वक्त मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए, तो क्यों ना थोड़े से पैसे आप मुझे उधार ही दे दें तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूं। तुम्हारी सुई अभी भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। हट्टे घट्टे आदमी हो तुम, मेहनत करोगे तो कुछ भी हो सकता है। हाथ पिलाना बंद करो दूसरों के आगे। अरे कोशिश तो मैं करूंगा सर, उससे पहले बिजनेस तो शुरू हो जाए और उसके बाद में मेहनत भी कर लूंगा। और आपके पास तो इतना पैसा है सर, थोड़ा सा हम जैसों को दे देंगे तो क्या हो जाए? और वो फरियाल, उसने तो आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली है, अब तो वो बड़ी मेम साहबा बन गई है। थोड़ा सा हाथ आप हमारा भी थाम लेंगे, हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे कैसी नाराज हो? अच्छा ऑफिस आना, वहां पे बात करें। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब लग रहा है क्या अभी राही साहब के बेटे? वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आ जाऊंगा ऑफिस आपके। अगर हालत क्यों अजीब सी लग रही है इसकी? पहले तो बड़ा टिप टॉप रहता था, आज तो ना टिप है ना टॉप। पर हमें क्या, बस किसी तरह पैसा हाथ में आ जाए, ईमान से मजा आ जाए। माशाल्लाह